गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमोल फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जिसका नाम है स्पोर्ट्स व्यू। आज भारत ने 71 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीती है और विराट कोहली जो पहले कप्तान हैं किसी भी एशियन टीम के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराई हो, तो विराट कोहली को वो सम्मान मिलता है। आज बारिश के कारण खेल तो हुआ ही नहीं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए पहले फॉलो ऑन से 316 रन बनाने थे और बाद में उनको लीड मिलने वाली थी, लेकिन आज खेली हुआ नहीं और भारत को भी 10 विकेट निकालने का कोई चांस मिला नहीं, तो ये सीरीज़ इंडिया ने 2-1 से जीती है और इसी के साथ श्रृंखला भी जीती है उन्होंने 71 ईयर्स के बाद। तो बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और भारत के इतिहास के लिए भी, एक ऐतिहासिक विन भारत की कही जाएगी इसकी, भारत की और विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी टेस्ट नंबर वन टीम तो इंडिया है वर्ल्ड में अभी, लेकिन उन्होंने ओवरसीज़ कंडीशन में जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ टेस्ट सीरीज़ हार चुके थे विराट कोहली। साउथ अफ्रीका में 2-1 से हारे, इंग्लैंड में 3-1 से हारे, तो उनकी कप्तानी पे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे लोग, लेकिन आज उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है तो उन्होंने बता दिया कि हम जो ये टीम है, हम लोग बाहर भी जीत सकते हैं ओवरसीज़ कंडीशंस में और किसी भी टीम को उनके बैकग्राउंड में जाके हरा सकते हैं। तो आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन, 70 सालों के बाद ये टेस्ट सीरीज विन हुई है ऑस्ट्रेलिया में। लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक थी, हालांकि वो अपना हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बॉल टैम्परिंग की वजह से और एक प्लेयर थे, मतलब जाने माने प्लेयर नहीं थे, लेकिन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर टेस्ट वनडे और T20 के बेहतरीन बल्लेबाजों में से गिने जाते थे, और उनको जो एक साल की बंदी ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है उसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज वो खेल नहीं पाए, और सब लोग यही बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे वीक टीम है, इंडिया को इसको हरा नहीं पड़ेगा। अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग भी करेंगे मैन टू मैन, फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक लगेगी। अगर आप ओपनिंग में देखेंगे, उनके पास मार्कस हैरिस और एरन फिंच, मार्कस हैरिस के लिए टेस्ट सीरीज अच्छी रही, उन्होंने 3 अर्धशतक बनाए टेस्ट सीरीज में, लेकिन एरन फिंच ने 1 ही अर्धशतक बनाया और वो इन आउट होते रहे, कभी खेलते थे कभी नहीं खेलते थे। भारत की भी ओपनिंग सेम ही थी ऑलमोस्ट, KL राहुल और मुरली विजय जब तक खेल रहे थे 2 टेस्ट तक तो वो सेम ही थी, तीसरे टेस्ट में मयंक अग्रवाल आए और उन्होंने तो पूरा ये सीरीज मतलब ओपनिंग जगह अपने नाम पे कर ली इस टेस्ट सीरीज़ में, बेहतरीन बल्लेबाजी की, 195 रन बनाए ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज़ में। और 3 पे चेतेश्वर पुजारा, जिनका उनके पास मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास जिनका कोई जवाब ही नहीं था, तो 3 का ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया की वो टीम और अपनी टीम के साथ, जो क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने पूरे सीरीज में 521 रन 521 रन बनाए 7 इनिंग में, उनमें 3 है 1 अर्धशतक है, तो उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। 4 पे विराट कोहली, उनके पास 3 पे थे उस्मान ख्वाजा, और रिकी पॉन्टिंग ने कहा था टेस्ट सीरीज से पहले उस्मान ख्वाजा इतने रन बनाएंगे विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देंगे। अरे भाई, उस्मान ख्वाजा बनाएंगे, लेकिन उनके सामने जो गेंदबाज है वो कौन है वो भी देख लीजिए, बुमराह, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव, जिस उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकते वो उस्मान ख्वाजा, वो विराट कोहली को बीट करेंगे ज़्यादा रन बना के, वो तो उनसे हो नहीं पाएगा किसी भी जन्म में। तो उस्मान ख्वाजा भी फेल। 4 पे शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के, अपने पास थे विराट कोहली, विराट कोहली ने तो दिखा दिया शॉन मार्श क्या है और विराट कोहली क्या है, फिर भी विराट कोहली ने 1 अर्धशतक और 1 शतक बनाया इस सीरीज़ में, लेकिन ओवरऑल उन्होंने 282 रन बनाए, वो क्या अच्छी मतलब वो अच्छी बैटिंग उसे कहा जाएगा। 5 पे रहाने, उनके पास 5 पे ट्रैविस हेड ने आई थिंक 2 अर्धशतक बनाए, रहाने ने भी 2 अर्धशतक बनाए, तो ट्रैविस हेड और रहाने ऑलमोस्ट सेम थे। 6 पे थे रोहित शर्मा, उनके पास 6 पे कभी पीटर हैंडसकम खेल रहे, कभी मिचेल मार्श खेल रहे, अपने इधर भी पहले टेस्ट मैच रोहित शर्मा खेले, दूसरे में वो इंजर्ड हो गए, तीसरे में फिर से रोहित शर्मा गए और चौथे में वो लौट गए इंडिया, अपनी जो नई बच्ची उनको हुई है, अभी बच्ची पैदा हुई उनको, उसको देखने के लिए समायरा उसको देखने के लिए इंडिया आ गए। तो 6 दोनों का वैसा ही था। 7 पर ऋषभ पंत थे और उनके कप्तान थे 7 पे टीम पेन। अब ऋषभ पंत ने देखिए 1 मारी 159 की, लेकिन उनका ओवरऑल उन्होंने 350 रन बनाए इस सीरीज़ में, पुजारा के बाद उनका ही नंबर लगता है। तो सोच लीजिए, 7 का बैट्समैन और उनका कैप्टन की कंपैरिजन हो रही है, और उसमें भी इंडिया का जो 19 का लड़का है ऋषभ पंत वही आ गए।
तो वो 7 नंबर 8 नंबर पे उनके पास नाथन लायन थे। नाथन लायन ने पहले 2 टेस्ट में तो बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने पहले 2 टेस्ट में ही 16 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन बाद के 2 टेस्ट में कितने विकेट, सिर्फ 5 विकेट। और मयंक अग्रवाल ने आगे आके उनके खिलाफ जो बैटिंग की है उनको कुछ क्ल्यू नहीं था इसको कैसे बॉलिंग करे। और पुजारा भी आगे आके उनको कवर ड्राइव मार रहे थे, लॉफ्ट कर रहे थे, ऑन ड्राइव मार रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी की। मतलब स्पिन गेंदबाजी को कैसे खेला जाता है, अटैकिंग गेम, तो मयंक अग्रवाल ने और पुजारा ने दिखा दिया। और बाद में फिर दूसरे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बैटिंग ईजी हो गई। बाद में आते हैं नीचे ईशांत शर्मा, उनके पास गेंदबाज अच्छे, मतलब अपने पास है ईशांत शर्मा थे, मोहम्मद शमी थे और बुमराह थे, और उनके पास थे मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड एंड पैट कमिंस। पैट कमिंस ने सबको इस सीरीज में बहुत प्रभावित किया, अपने बैटिंग से, गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से, दोनों से। बैटिंग में तो वो के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनसे भी ज़्यादा कंपोज लगे विकेट पे और कॉम्पैक्ट दिखे, उनकी टेक्निक भी अच्छी लगी और स्ट्रोक मेकिंग भी अच्छी थी उनकी। तो एक ये सीरीज से उनका एक मतलब उनको एक अच्छा सुपरस्टार मिला है, वो मतलब पैट कमिंस, मतलब उसने प्रदर्शन करके दिखा दिया। तो गेंदबाजी में भी हमने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को पछाड़ दिया। हमारे गेंदबाजों ने, बुमराह ने 21 विकेट लिए, ईशांत शर्मा ने 11 विकेट, मोहम्मद शमी ने 16 विकेट, अश्विन ने 6 विकेट, जडेजा ने 7 विकेट, बाद में हनुमा विहारी ने 2 विकेट लिए। तो ओवरऑल मैन टू मैन मार्किंग भी देखेंगे तो अपनी टीम उनसे बहुत स्ट्रांग थी और स्ट्रांग रही और उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती। तो अभी ये 70 साल के बाद जो इतिहास रचा गया है, बाद में आपने वीडियोस देखे भी होंगे मेरे पिछले वाले वीडियो पे सुबह जो डाली थी उसमें विराट कोहली की टीम को भारत आर्मी ने बहुत अच्छा उधर उनके होटल रूम पे जाके एक उन्होंने काटा, सब डांस किए, सब हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रहाणे, ईशांत शर्मा, सबने बहुत एंजॉय किया। और बाद में फील्ड पे भी ऋषभ पंत को एक नया डांस लेके आए थे, ऐसे ऐसे पैर पीछे पीछे करके, और उस पर विराट कोहली नाच रहे थे और अजिंक्य रहाणे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का वो भी डांस नहीं आ रहा था करने के लिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा सादे मतलब सीधा सिंपल आदमी जिसे कहा जाता है वो है, टेस्ट क्रिकेट के लिए वैसे ही आदमी चाहिए। तो एक बेहतरीन जीत और एक बेहतरीन सेलिब्रेशन। आज सभी आलोचक जो भी थे विराट कोहली के आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक 70 साल का एक जो ऐतिहासिक विजय था 70 साल के बाद कंप्लीट किया है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एशियन टीम ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हारा है नहीं टेस्ट सीरीज में से स्पेशली, क्योंकि वनडे सीरीज अपन हम भी जीते हैं उधर, T20 भी हम जीते हैं, लेकिन कभी अभी तक कोई भी टीम, 12 टूर्स हो गए, 13 कैप्टन्स हो गए, लेकिन अभी भी एक भी टीम ने, मतलब इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे कभी भी नहीं हराया था। लेकिन आज याद रख लीजिए 7 जनवरी 2019 को भारत ने ये इतिहास रचा है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे हराया है। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था ये सीरीज़ के पहले, ये बार तो ऑस्ट्रेलिया को भारत हराएगा ही हारेगा और टेस्ट सीरीज जीतेगा ही जीतेगा, और वो भारत ने करके दिखा दिया। भारतीय टीम ने फिर से एक बार भारतीय टीम का अभिनंदन, ऐसे खेलते रहे और वनडे सीरीज भी जीते जो 12 तारीख से शुरू होने वाली है सिडनी में। तो विराट कोहली के टीम से यही एक और मतलब हमको गिफ्ट चाहिए कि वनडे सीरीज भी जीते, क्योंकि T20 तो ड्रॉ हो गई, टेस्ट सीरीज तो जीत चुके हैं और वनडे सीरीज भी जीतेंगे 12 तारीख से जो शुरू हो रही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको कुछ जो भी स्टेटस क्रिकेट के बारे में या जो भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछना है, आपके जो भी कमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उन पर ज़रूर गौर करूँगा। अपने चैनल के ग्रोथ के लिए जो भी करना चाहिए करना होगा मैं करने की। थैंक यू सो मच।